हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग स्मार्ट। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मसल अप, जिसे मास्टर ऑफ पुल अप भी बोला जाता है। दोस्तों, इसको करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए। बट जो मैं आपको आज स्टेप बताने वाला हूँ, अगर स्टेप टू स्टेप आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भी मसल अप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मसल अप का पहला स्टेप है स्ट्रेट पुलअप्स। स्ट्रेट पुलअप का मीन्स है आपको अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखते हुए पुलअप करना है, जिसमें बार तक अपना चेस्ट टच होना चाहिए और पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। देखेंगे किस तरह। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह इसकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, पंजे खींचे हुए रहने चाहिए और अपने चेस्ट को पूरा बार तक टच करना है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पुलअप्स मिनिमम 10 से 15 के बीच में आपके होने चाहिए, वो भी एकदम स्ट्रेट बॉडी, तभी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों, मसल अप का दूसरा स्टेप है हाई आर्म पुलअप्स। हाई आर्म पुलअप्स का मतलब क्या, जो आपने अभी पहले स्टेप में स्ट्रेट पुलअप्स किया, उस पुलअप से थोड़ा लेवल अप करना है। आप अपना चेस्ट तक बॉडी को टच कर रहे थे, अब आपको कोशिश करना है उससे ऊपर जाना है। ये भी आपके कम से कम 10 से 15 होने जरूरी है। देखेंगे किस तरह करते हैं इसको। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले ये अपनी बॉडी बार तक ले जा रहा था, अब अपनी ये बॉडी बार से ऊपर ले जा रहा है। ये हाई आर्म पुलअप्स है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा, इसके बिना आप मसल अप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मसल अप के तीसरे स्टेप में हम जो आप पुलअप्स करते हैं, पुलअप्स पूरा करने के बाद मसल अप होल्ड पोजीशन करनी है। आप किसी का सपोर्ट लेके कर सकते हैं या फिर इस बार के ऊपर रोल करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कैसे। पहले आपको मैं सपोर्ट से बताऊंगा और दूसरा आपको रोल करके दिखाऊंगा। ये सपोर्ट देके मैंने इसको मसल अप कराया और इस पोजीशन को आपको मिनिमम 20 से 30 सेकंड के बीच में होल्ड रखना है। अब एक बार मैं वापस आपको रोल से भी बताऊंगा कि आप रोल से कैसे कर सकते हैं। बॉडी को आगे ले जाते हुए अपनी कमर को बार के ऊपर लाके बॉडी को स्ट्रेट करके आप इस तरफ भी अपनी बॉडी को होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 20 से 30 सेकंड के बीच में बॉडी होल्ड रहनी जरूरी है इसके लिए भी। थर्ड स्टेप होल्ड करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप नेगेटिव मसल अप्स करना है। नेगेटिव मसल अप कैसे करेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब रिवर्स मसल अप भी बोल सकते हैं, कैसे आप देखेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैं सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ मसल अप कर रहा है। ठीक है, बॉडी को स्विंग लेके आप किसी का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको रोल बताया था उस रोल का सहारा लेके भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है आपका मसल अप डिप्स। मसल अप डिप्स कैसे करना है, जैसे आपने अपने ऊपर पोजीशन होल्ड की थी उसी होल्ड पोजीशन में आपको डिप्स लगानी है। बॉडी को डाउन करना है देन अप, बॉडी को डाउन करना है देन अप, कैसे आप देखेंगे इस तरह। देख सकते हैं आपकी पूरी बॉडी पहले ऊपर स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसके बाद बॉडी को नीचे डाउन करना है देन अप। दोस्तों, ये आपसे मिनिमम 10 से 15 या 15 से 20 के बीच में होने जरूरी है और इसके भी दो सेट होने जरूरी है दोस्तों, तब आपका प्रॉपर मसल अप हो पाएगा। देखेंगे किस तरह ये अपनी कॉनी को बेंड करते हुए आगे झुकाते हुए बॉडी को ऊपर और डाउन कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है जंपिंग मसल अप। जंपिंग मसल अप में क्या करना है, आपको पुलअप्स करते हुए दीवार को जंप लगाते हुए बॉडी को ऊपर ले जाकर मसल अप को कंप्लीट करना है। देखेंगे किस तरह, अपने बॉडी को जंप लगाया एंड देन अप, जंप लगाया देन अप। इसमें क्या होगा, आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगा। एक बार वापस देखेंगे किस तरह। Thank you.
दोस्तों मसल अप का नेक्स्ट स्टेप स्विंग एंड मसल अप, स्विंग करते हुए मसल अप करना। वो कैसे, बॉडी को आगे स्विंग ले जाना है, देन किसी का सपोर्ट लेके, या फिर आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं इसको भी, तो कर सकते हैं। देखेंगे किस तरह बॉडी का आगे की तरफ स्विंग ले जाते हुए बॉडी को ऊपर किक मारना है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह ये अपनी बॉडी में ये पूरा स्विंग भर के आर्च आर्च डाला और देन अप। वापिस देखेंगे किस तरह ये बॉडी में आर्च देन स्विंग, एक बार करके दिखाएंगे ये आपको।